प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार क्या है, पूर्व में बताया था कि जो ऐसे व्यापार या व्यवसाय जो एक देश की सीमा के भीतर किए जाते हैं वो आंतरिक व्यापार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि भारत देश के अंदर एक व्यापारी के द्वारा दूसरे प्रदेश में व्यापार किया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश से उड़ीसा या कलकत्ता या बंगाल, तो यहाँ पर जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो व्यापार किया जाता है वो आंतरिक व्यापार कहलाता है, अर्थात एक देश की सीमा के भीतर। अब यह आंतरिक व्यापार जो है वो दो प्रकार का होता है, पूर्व में बताया था, एक फुटकर व्यापार होता है, दूसरा थोक व्यापार होता है। तो थोक व्यापार क्या है, थोक व्यापार वो व्यापार है जिसमें कि एक व्यापारी जो है उत्पादनकर्ता से या निर्माता से इकट्ठी मात्रा में माल को खरीदता है और उसको विभिन्न इकाइयों में वर्गीकृत करके फुटकर व्यापारियों को बेचता है। वहीं दूसरा जो प्रकार बताया था फुटकर व्यापार क्या है, जिसके अंतर्गत थोक व्यापारी के माध्यम से फुटकर व्यापारी माल को खरीदता है और उपभोक्ता तक पहुंचाता है। अब यहां पर हम फुटकर व्यापार के बारे में और विशेष तौर पर जानेंगे। तो फुटकर व्यापार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो ये जो हम यहां पर बता रहे हैं आपको भ्रमणशील फुटकर व्यापार, और दूसरा जो होता है इसमें स्थाई दुकान से व्यापार, स्थाई दुकान वाला व्यापार। तो यहां हम पहले देखते हैं कि भ्रमणशील फुटकर व्यापारी क्या है। तो भ्रमणशील फुटकर व्यापारी वो व्यापारी है जो कि घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जो है माल को बेचता है, अर्थात उपभोक्ता के पास स्वयं वो माल लेकर पहुंचता है। तो ये जो है फुटकर व्यापार की सबसे पुरानी प्रणाली है, जिसमें एक व्यापारी अपने माल को एक निश्चित स्थान पर नहीं बेचता, बल्कि स्थान स्थान, जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर घूम घूम कर माल को वो बेचता है। और यहाँ इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने व्यवसाय को बदल भी लेता है, अर्थात आज मान लीजिए वो कपड़े वगैरह की फेरी करता है, कपड़े वगैरह बेचने का काम करता है, तो कल को दूसरा व्यवसाय बदल लेता है, किचन से जुड़े हुए विभिन्न मटेरियलों को बेचने का काम शुरू कर सकता है या जूते चप्पल वगैरह बेचने का काम कर सकता है। अर्थात भ्रमणशील फुटकर व्यापारी के अंतर्गत यहां पर व्यवसाय की कोई एक निश्चितता नहीं है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार जो है वो व्यवसाय को बदलता रहता है। अब फुटकर व्यापार के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो है, नंबर एक फेरी वाले व्यापारी, दूसरा पटरी वाले या सड़क पर बैठने वाले, या तीसरा माल मेलों या हाटों के साप्ताहिक बाजार के व्यापारी। तो फेरी वाले व्यापारी क्या है, फेरी वाले व्यापारी जो है जो घूम घूम कर माल को बेचने का काम करते हैं, घूम घूम कर माल को बेचते हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में जो है साइकिल पर या ठेले पर विभिन्न प्रकार की हमारी जरूरत की आवश्यकता की चीजों को रखकर जो है फेरी के माध्यम से घूम घूम कर माल को बेचते हैं, वो फेरी वाले व्यापारी कहलाते हैं। फिर दूसरा है पटरी या सड़क पर बैठने वाले व्यापारी। हम अपने आसपास रोडों में देखते हैं या पटरी के किनारे देखते हैं कि हमारी जो बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं जो है वो रोजाना उनको लेकर बैठते हैं और वहीं से वो व्यापार को करते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरे जो हो गए पटरी या सड़क पर बैठने वाले व्यापारी। फिर तीसरे मेलों या हाटों के साप्ताहिक बाजार के व्यापारी। मेलों में लगाते हैं जो दुकानें बर्तनों की, कपड़ों की, विभिन्न प्रकार से जूते चप्पलों की, या बहुत सारी हमारी रोजन आवश्यकताएं जो रोजाना की वस्तुएं हैं उनके उपयोग की वस्तुओं को जो व्यापार करते हैं। तो मेलों में या हाटों के साप्ताहिक बाजार के व्यापारी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वीकली मार्केट भरता है तो सब्जी भाजी की या कपड़ों की, जूतों चप्पल की, और भी जो विभिन्न प्रकार की हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं तो उनकी जो है दुकानें वो लगाते हैं। तो इस प्रकार से फुटकर व्यापार जो है वो यहाँ पर तीन रूपों में किया जाता है, फेरी के रूप में, पटरी या सड़क पर बैठने वाले व्यापारी उनके द्वारा, और साप्ताहिक बाजार या मेलों या
हार्ट के अंतर्गत। तो ये दूसरा जो है स्वरूप जो है यहां पर स्थाई दुकान के व्यापारी। अब स्थाई दुकान के व्यापारी कौन है? वे व्यापारी जो वस्तुओं की बिक्री एक स्थाई या निश्चित दुकानों से करते हैं, अर्थात एक निश्चित उनकी स्थान होता है, उस निश्चित स्थान से उस दुकान से जो है वो स्थाई रूप से व्यापार करते हैं। तो स्थाई या निश्चित दुकानों के अंतर्गत जब ये व्यवसाय करने का निश्चय कर प्रारंभ कर देते हैं तो उसके बाद उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता, अर्थात एक बार जो निश्चित दुकान पर निश्चित दुकान के अंतर्गत निश्चित व्यवसाय को करना ये प्रारंभ कर देते हैं, उसमें वो पूंजी लगा देते हैं, तो उसमें बाद में परिवर्तन करना आसान नहीं होता। तो यहां पर जो भी स्थाई दुकान के अंतर्गत जो भी व्यापार व्यवसाय किया जाता है वो बहुत सोच विचार कर किया जाता है। और यहां पर जो स्थाई व्यापारियों को जो है दो भागों में बांटा गया, नंबर एक तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी, दूसरा दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी। तो यहां पर पहले हम देखते हैं लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी क्या है। तो लघु स्तरीय मतलब छोटे स्तर के, इसमें जो है कम पूंजी लगाकर ग्राहकों को निकट के स्थान पर व्यापार करते हैं। तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी वो व्यापारी हैं जो बहुत कम पूंजी में अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर करते हैं जहां उपभोक्ताओं की मात्रा ज्यादा होती है, जहां पर उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग करते हैं, तो ग्राहकों के निकट के स्थान पर ये व्यापार करते हैं। ये जो है निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्टॉल वाली दुकान, जैसे चाय की हो गई, चाय, ब्रेड और भी जो अन्य आवश्यक अन्य रोजाना की दूध वगैरह की रोजाना की वस्तु में, तो ये जो है स्टॉल वाली दुकान हो गई। फिर दूसरा सामान्य भंडार, सामान्य भंडार के अंतर्गत विभिन्न किराना मटेरियल जो हमारी रोजाना की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, ये किराना सामग्री से संबंधित हो गई। फिर तीसरा एक ही प्रकार की वस्तुओं के भंडार, एक ही प्रकार की वस्तुओं के भंडार, जैसे दवाई की दुकान हो गई, दवाई दुकान हो गई, या कपड़ों की दुकान हो गई, कपड़ों की दुकान हो गई। तो ये क्या है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का भंडार है। फिर विशिष्ट वस्तुओं की दुकान है, इसके अंतर्गत भी वही दुकानें आ गई जो विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं। फिर पुराने माल की दुकान है, पुरानी किताबें वगैरह, पुरानी किताब या यूज सामग्री या यूज की गई सामग्री, तो ये दुकानें हो गई पुराने माल की दुकानें। फिर इसके अलावा स्वचालित विक्रय मशीनें, जैसे स्टेशन पर हम देखते हैं पानी की मशीन हो गई, दूध वगैरह की दूध या अन्य वस्तुएं हो गई जिसमें स्वचालित विक्रय मशीन, अर्थात जिसमें यहां पर विक्रेता की सामने जरूरत नहीं होती, एक निश्चित अमाउंट हम जो उसमें डालते हैं और उस अमाउंट के हिसाब से हमें जो है सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो जैसे स्टेशनों में हम देखते हैं आपकी प्लेटफार्म की टिकट हो गई या पानी की मशीन हो गई, दूध वगैरह या अन्य आवश्यक सामग्रियां हो गई जो हमें सीधे सीधे उसी रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है लघु स्त्री फुटकर व्यापारी हैं, उनके जो प्रकार है स्टॉल से संबंधित दुकानें हो गई, विभिन्न सामान्य भंडार हो गए, एक ही प्रकार की वस्तुओं के भंडार हो गए, विशिष्ट वस्तुओं की दुकानें हो गई, पुराने माल की दुकान हो गई, स्वचालित विक्रय मशीनें हो गई। अब हम देखते हैं दीर्घ स्त्री फुटकर व्यापारी क्या है। तो स्थाई दुकान वाले जो हैं दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी, लॉन्ग टर्म वाले, लंबे स्तर वाले, तो ये व्यापारी जो है बड़े पैमाने पर स्थाई रूप से दुकान लेकर शहर के प्रमुख स्थान या पर व्यापार करते हैं और बड़ी मात्रा में पूंजी लगाते हैं। तो ये व्यापारी क्या है, स्थाई रूप से जो है मेन मार्केट में या चौगड्डों में या ऐसे क्षेत्रों पर जहां की उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है वहां पर एक प्रमुख स्थान पर जो है अपनी दुकान लेकर स्थाई रूप से व्यापार करते हैं।
और ये बड़ी मात्रा में पूंजी लगाते हैं। तो इनमें जो विभिन्न प्रकार है, सबसे पहले हम देखते हैं विभागीय भंडार। विभागीय भंडार क्या है? एक ही प्रकार की वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से बेचने वाली ऐसी अनेक दुकानों का संयोग है जो एक ही छत के नीचे तथा एक ही नियंत्रण में होती है, वह एक ही प्रशासन द्वारा संचालित होती है। तो विभागीय भंडार क्या है? यहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग दुकानों के माध्यम से वस्तुओं को बेचा जाता है, अर्थात विभाग के रूप में अलग अलग विभाग बार जो है यहां पर वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हर एक विभाग में आपकी आवश्यकता की एक ही प्रकार की वस्तु जो है विभिन्न रूपों में आपको क्वांटिटी के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार अलग अलग रूप में आपको प्राप्त होती है। तो ये जो है एक ही प्रशासन के द्वारा संचालित होता है। तो जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार जो परिभाषा, एक ही भवन के अंतर्गत एक बड़ा भंडार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है, अर्थात एक ही भवन में बहुत सारी वस्तुओं का एक बड़ा भंडार होता है जहां पर कि उन सभी वस्तुओं का फुटकर रूप में व्यापार किया जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर एक, अनेक प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। विभागीय भंडार के अंतर्गत हम बहुत सारी वस्तुओं को यहां पर विक्रय करते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए जो है अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि कपड़ों का विभाग अलग हो गया, आपका जूते चप्पल का, कपड़ों का जूते चप्पल का विभाग अलग से हो गया, इसके अलावा आपके जो खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए सामग्री हैं उनसे जुड़े हुए विभाग अलग हो गए। तो इस प्रकार से यहां पर जो विभागीय भंडार के अंतर्गत जो पहली विशेषता है वो अनेक प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करता है और हर वस्तु के लिए जो अलग अलग यहाँ विभाग होता है। इसकी स्थापना जो है शहर के मुख्य स्थानों पर होती है, अर्थात इसकी जो स्थापना है वो ऐसे पॉइंट पर होती जहां पर कि ग्राहक आसानी से पहुंच सके। फिर इसमें बिक्री अधिक मात्रा में होती है, विभागीय भंडार में जो है बिक्री की मात्रा अधिक मात्रा में होती है और ग्राहकों को घर पर माल सुपुर्द किया, अर्थात घर तक माल को पहुंचाया जाता है और नियमित जो ग्राहक है, जो उनके रेगुलर ग्राहक है, उनको उधार माल बेचने की भी सुविधा, यहाँ पर खरीदने की सुविधा उन्हें प्रदान की जाती है। फिर साथ ही विभागीय भंडार में विभिन्न व्यक्तिगत सेवाएं जैसे जलपान, चाय नाश्ते से जुड़ा हो गया, मनोरंजन हो गया, डाकघर आदि की सेवा भी जो है इनके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये जो है विभागीय भंडार की विशेषताएं हैं। दूसरा जो है दीर्घ स्त्री दुकान के अंतर्गत बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकान है। बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध, तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें कि अनेक ऐसी फुटकर दुकानें होती हैं जिनका स्वामित्व एक ही होता है, जो एक ही नगर के या देश के विभिन्न भागों में फैली हुई होती हैं, जो एक ही प्रकार की वस्तुओं में व्यवहार करती हैं, अर्थात एक ही प्रकार की वस्तुएं जो हैं बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानों के अंतर्गत यहाँ पर संचालित होती हैं। इन दुकानों में वस्तुओं को एक ही ढंग से सजाकर रखा जाता है। गुण, किस्म, मूल्य आदि की दृष्टि से वस्तुएं सभी स्थान की दुकानों पर एक ही प्रकार की बिकती हैं। जैसे बाटा की चप्पलें वगैरह का हम व्यवसाय देखते हैं तो ये बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानों के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें जो है विशेषताएं, उपभोक्ताओं से ये सीधा प्रत्यक्ष संबंध रहता है। यहाँ पर माल जो है उत्पादित होकर आता है और बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानों के माध्यम से सीधे उपभोक्ता को माल बेच दिया जाता है। फिर समरूपता, सभी दुकानों में वस्तुएं रखने का ढंग, विक्रय नीति, सजावट, साइन बोर्ड सभी एक समान होते हैं, अर्थात इस प्रकार की दुकानों में जो सेंट्रलाइज होती हैं ये, इसकी विक्रय नीति सेंट्रलाइज होती है, जो वस्तुओं को रखने का ढंग है, उसको सजाने का ढंग है, दुकानों की सजावट जो है, साइन बोर्ड, ये सभी एक ही प्रकार से होती है। यहाँ निर्माता जो है स्वयं की वस्तुएं ही इन दुकानों पर बेचता है, अर्थात उत्पादनकर्ता जो है अपनी बहुसंख्यक श्रृंखलाबद्ध दुकानों में जो है सिर्फ अपने ही द्वारा निर्मित वस्तुओं को दुकानों के माध्यम से बेचता है। फिर सामान्य मूल्य, सभी दुकानों पर जो है वस्तुओं का मूल्य एक समान होता है। फिर केंद्रीय प्रबंधन, इसका जो संचालन है ये केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रलाइज स्तर पर होता है। फिर अनेक दुकानें, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? दुकानों में की अनेकता होती है, अर्थात एक ही
नगर में अनेक दुकानें या अनेक नगरों में विभिन्न दुकानें स्थापित की जाती है, तो ये कहलाती हैं बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें। अब यहाँ हमने जो अभी विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकानों के बारे में जाना, उन दोनों के बीच में हम अंतर देखें यहाँ पर, तो ये क्या है, वस्तुओं की विविधता की बात करें तो विभागीय भंडार में जो है एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, जबकि बहुसंख्यक दुकान में एक ही या सीमित प्रकार की वस्तुओं का क्रय किया जाता है। बहुसंख्यक दुकान से हम जो है सीमित प्रकार की वस्तुएं ही अर्थात निश्चित वस्तुओं को ही हम खरीद सकते हैं जो उस दुकान पर होती हैं, लेकिन विभागीय भंडार में जो है सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। फिर स्थिति, विभागीय भंडार जो है शहर के केंद्र में सेंटर पॉइंट पर स्थापित किए जाते हैं, अर्थात जहां पर ग्राहकों की पहुंच आसान होती है वहां पर विभागीय भंडार को स्थापित किया जाता है। बहुसंख्यक दुकान जो है ये शहर के कई क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। फिर कीमत, विभागीय भंडार में जो स्थायी खर्चे और अनेक निःशुल्क सेवाओं के कारण वस्तुओं की कीमत क्या होती है, ऊंची रहती है, अर्थात यहाँ पर जो है ग्राहकों को मनोरंजन की सुविधा दी जाती है, जलपान की सुविधा दी जाती है और भी विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाएं उन्हें प्रदान की जाती है जिसकी कीमत वो आपके वस्तु की कीमत में ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पर वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है। तो ऐसे खर्चों के कारण जो है यहाँ पर वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर जो बड़े पैमाने के लाभ के कारण जो है कीमतें क्या रहती हैं, नीची रहती हैं। यहाँ पर जो है सीधे माल उत्पादित होकर बहुसंख्यक दुकान के माध्यम से ग्राहक तक सीधे पहुंचता, तो यहाँ पर बीच में बिचौलियों की का होना ठीक नहीं होता, तो यहाँ पर जो है जो कीमतें हैं वो कैसी होती हैं, कम रहती हैं। फिर सेवा की बात करें, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुविधाएं जैसे घर पर माल सुपुर्दगी, उधार क्रय आदि प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, माल अर्थात वस्तुएं जो हैं घर तक पहुंचाने की सुविधा दी जाती है, माल को उधार खरीदने की भी सुविधा दी जाती है। बहुसंख्यक दुकान में जो है उधार क्रय की सुविधा नहीं होती और घर पहुंच सेवा भी नहीं होती। फिर जोखिम की बात करें तो व्यवसाय एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण जो है अधिक जोखिम पूर्ण होता है, क्योंकि एक ही स्थान पर होते हैं विभागीय भंडार जहां पर कि ग्राहकों को पहुंचना होता है, जबकि ये दुकानें जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होने के कारण जोखिम का फैलाव हो जाता है, अर्थात जोखिम कम हो जाता है। अर्थात एक प्रकार से यहां माने कि बहुसंख्यक दुकानें जो है ग्राहकों के ज्यादा निकट हो जाती हैं, उनके नजदीक तक पहुंच जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी बिक्री की मात्रा ज्यादा होती है, तो बिक्री की मात्रा ज्यादा होने से यहाँ जोखिम कम हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे, विभागीय भंडार क्या है और बहुसंख्यक दुकानें इनके बीच में अंतर। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा बिंदु जो है विशेषाधिकार या जिसको हम फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। तो फ्रेंचाइजिंग क्या है, किसी भी प्रकार की विशिष्टता लिए हुए वस्तु या सेवा का उपयोग करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपना देना, वो फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत कहलाता है। तो विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिष्ठित वस्तु निर्माता किसी दूसरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उसी वस्तु का उत्पादन करने का विशेष अधिकार देता है। इसमें क्या है, जो वस्तु निर्माता जो है, जो सेवा निर्माता है, जो उसका निर्माण कर रहा है, वो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार दूसरे को प्रदान करता है। इसमें जो है उत्पादित करने का केवल उसे ही अधिकार प्राप्त है, इसे फ्रेंचाइजिंग दाता जो है अपने व्यापार चिन्हों को प्रयोग करने का अधिकार विशेष प्रतिफल भुगतान के बदले प्रदान करता है। तो यहाँ उत्पादनकर्ता जो है वो अपने उत्पादन के अधिकार प्रयोग उत्पादित करने का जो अधिकार है और जो उसका ट्रेडमार्क है व्यापार चिन्ह उसको प्रयोग करने का अधिकार जो है वो दूसरे व्यापारी को प्रदान करता है और उसके बदले में जो है एक निश्चित प्रतिफल जो है भुगतान के रूप में वो प्राप्त करता है। तो विशेषताओं से उसको हम और समझेंगे, जैसा कि विशेषाधिकार देने वाला एक विशिष्ट उत्पाद पेटेंट या प्रतिष्ठा सेवा चिन्ह पर अपना अधिकार रखता है। यहाँ पर जो है जो फ्रेंचाइजिंग का अधिकार देने वाला है अगले को, वो उस उत्पादन पर, उस पेटेंट पर या उस प्रतिष्ठा सेवा चिन्ह पर जो है वो अपना अधिकार रखता है। फिर विशेषाधिकार प्राप्त करता जो है
शुरू में एक निश्चित भुगतान व बाद में नियमित रूप से लाइसेंस फीस या निर्धारित कमीशन देता रहता है। यहाँ पर जो है ये फ्रेंचाइजिंग का जो राइट प्राप्त करने वाला है वो प्रारंभ में जो है एक निश्चित राशि का भुगतान करता है और बाद में जो है नियमित रूप से एक मंथली लाइसेंस फीस के रूप में या निर्धारित कमीशन के रूप में जितना माल उसने उत्पादित किया उसके एवज में कमीशन जो है विशेषाधिकार जो दाता है फ्रेंचाइजिंग प्रदान करने वाला उसको प्रदान करता रहता है। फिर विशेषाधिकार दाता जो है विपणन में सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। मार्केटिंग में माल को बेचने से संबंधित जो भी आवश्यक सहयोग होता है यहाँ पर जो है फ्रेंचाइजिंग दाता जो है वो यहाँ पर विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले को सहयोग प्रदान करता है। फिर विशेषाधिकार प्राप्त करता जो है ये व्यवसायिक क्रियाओं की विभिन्न विधियों से संबंधित कंपनी की नीतियों को मानना अनिवार्य होता है। यहाँ पर जो फ्रेंचाइजिंग प्राप्त करता है उसको जो है व्यवसायिक क्रियाओं के संबंध में कंपनी की जो नीतियां हैं उनके हिसाब से उसको उत्पादन करना होता है, उनकी नीतियों को यहाँ पर उसको मानना होता है। तो यहाँ ये हमने जाना यहाँ पर कि विशेषाधिकार क्या है और फ्रेंचाइजिंग क्या है। इसके बाद अगला जो है इसमें सुपर बाजार। सुपर बाजार क्या है? सुपर बाजार मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत एक दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार संस्था होती है जो विभागीकृत प्रणाली पर संचालित की जाती है। इसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री स्वयं सेवा के आधार पर की जाती है और जिसमें कम मूल्यों के प्रलोभन को प्रयुक्त किया जाता है। तो सुपर बाजार क्या है? यहाँ पर एक दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार संस्था है जो कि अन्य अलग अलग विभागों के रूप में यहाँ पर संचालित होती है। हर एक विभाग में यहाँ पर जो बिक्री जो है स्वयं सेवा के आधार पर होती है, अर्थात हम स्वयं वहां जाते हैं, उन विभाग में जो भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको हम स्वयं उठाकर अपनी थैली में रखते हैं और फिर काउंटर पर लाकर बिल जमा करते हैं। तो ये स्वयं सेवा पर आधारित होती है। सुपर बाजार की जो विशेषता है वो क्या है? विविध प्रकार की वस्तुएं और खाद्य पदार्थों की बिक्री जो है एक ही स्थान पर की जाती है। यहाँ पर जो समस्त प्रकार की वस्तुएं और मुख्य रूप से खाने पीने से जुड़े हुए सामग्री जो है वो एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा जो है इसका विशेषता, इसमें स्वयं सेवा सिद्धांत पर बल दिया जाता है। स्वयं माल को यहाँ पर खरीदना, तो स्वयं सेवा सिद्धांत पर बल दिया जाता है। फिर ग्राहकों को निःशुल्क सेवाएं सीमित आधार पर प्रदान की जाती हैं और साथ ही इसमें केवल जो है नगद आधार पर वस्तुओं की बिक्री की जाती है। सुपर बाजार में जो है नगद ही माल को बेचा जाता है और यहाँ पर जो है सुपर बाजार में केंद्रीय भुगतान पद्धति के आधार पर भुगतान किया जाता है, अर्थात माल किसी भी विभाग से खरीदा जाए भुगतान एक ही स्थान पर होता है और इसका प्रबंध जो है सहकारी आधार पर होता है। सहकारी आधार से तात्पर्य यहाँ पर साथ साथ मिलते हुए कार्य करना सहकारी आधार कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर सुपर बाजार क्या है, इसमें जो है स्वयं सेवा के आधार पर जो है माल को उपभोक्ता यहाँ से खरीदता है और मुख्य रूप से जो है इन सुपर बाजार में जो है विविध प्रकार की वस्तुएं और खाद्य पदार्थ की वस्तुएं जो है इस स्थान पर प्राप्त होती हैं। तो ये सुपर बाजार अभ्यास प्रश्न में कुछ फुटकर व्यापारी के अंतर्गत भ्रमणशील फुटकर व्यापारी से आशय एवं उसके प्रमुख स्वरूपों को लिखिए। फिर लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी से आशय उसके प्रकारों को समझाइए। फिर दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी के अंतर्गत विभागीय भंडार को समझाइए, उसकी विशेषताओं को लिखिए और बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें क्या कहलाती हैं उसकी विशेषताओं को समझाइए। फिर विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकानों के बीच प्रमुख अंतरों को लिखिए और अंतिम सुपर बाजार से आशय और उसकी विशेषताओं को समझाइए।